हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब दुश्मनों एक दूसरे से लगातार लड़ते झगड़ने के बाद जब थक जाते हैं, तब वो आखिरकार वो अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। ऐसा यूरोपियन यूनियन के साथ भी हुआ था। दोस्तों, पहले एवं दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपियन यूनियन के देशों एक दूसरे से दशकों तक, 10 सालों तक, या फिर कभी कभार कोल्ड वॉर के रूप में भी, या फिर छोटी मोटी लड़ाइयों के रूप में भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, एक दूसरे से भिड़ते रहे, एक दूसरे से युद्ध लड़ते रहे। लेकिन आम यूरोपियन लोगों इसमें, इस युद्ध में कितने सारे जो बेचारे, जो लाचार थे, जो इनोसेंट थे, जो निर्दोष थे, निर्दोष यूरोपियन लोगों की जान भी गई थी, यूरोपियन नागरिकों की जान भी गई थी, तबाही भी हुई थी। विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई थी। इससे ऐसा भी हुआ था कि अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी महामंदी शुरू हो गई थी। अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महामंदी का दौर भी शुरू हो चुका था। उस समय लाखों लोग बेघर भी हुए थे। यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस भी हो चुकी थी। लेकिन अब ये सारे एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले दोस्त, जो देश है, जो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के नागरिकों के खून के प्यासे हो गए थे, वो यूरोपियन यूनियन के जो देशों थे वो आज अच्छे दोस्त बन गए हैं। और ऐसे दोस्त बन गए हैं कि जाने इतिहास में पहले ऐसे कुछ युद्ध या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ ही ना हो। सन 1991 के बाद यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों ने सारे गिले शिकवे एवं विवादों को भुलाकर उन देशों ने अपने बॉर्डर्स एक दूसरे देशों के लिए खोल के रख दी, यानी खोल दी कि इसमें कोई बॉर्डर अब नहीं होगी। यूरोपियन यूनियन की एक अन्य देशों से अलग पड़ने वाली एक कॉमन ही बॉर्डर होगी, लेकिन यूरोपियन देशों के एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। एक समान राजकीय एवं आर्थिक हितों के मद्देनज़र रखते हुए सभी यूरोपियन देश एकजुट होकर काम करने लगे, जिससे आज यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ। यानी कि 21वीं सदी में यूरोपियन यूनियन एक मजबूत, शक्तिशाली आर्थिक एवं राजकीय संगठन के तौर पर पूरे विश्व फलक पर उभर कर आया है। बेल्जियम, फ्रांस, इटाली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और वेस्ट जर्मनी ने व्यापार में होने वाले आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए सन 1957 में रोम, इटाली का जो राजधानी है रोम, उसमें एक ट्रीटी साइन की थी। उन्होंने ऐसे ट्रीटी साइन करके यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी का निर्माण किया था। उसके बाद सन 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूके ने भी उनके सदस्यता हासिल की थी। उस समय फ्रांस के, उससे पहले यानी कि पहले विश्व युद्ध या फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, उस समय फ्रांस के तत्कालीन प्रमुख थे चार्ल्स दी गोल। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल करने पर उन्होंने विरोध जताया था। तब चार्ल्स दी गोल को सब लोग, जो बाकी के यूरोपियन यूनियन के देश के जो प्रेसिडेंट या फिर पीएम थे, चार्ल्स दी गोल के इस डिसीजन को वाहियत बता रहे थे। लेकिन वो कितने दूरंदेशी थे उसका आज पता पूरी दुनिया को चला है, किससे? ब्रेक्जिट होने के बाद। सन 1981 में ग्रीस एवं 1985 में पोर्टुगल और स्पेन को EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी का सदस्य बनाया गया था। और शेनेगन वीज़ा यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा चमत्कार माना जाता है। सन 2016 में 16 तक 26 यूरोपियन यूनियन के 26 देशों ने शेनेगन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मतलब यह है कि इन तमाम 26 देशों को एक दूसरे के लिए अपने देशों की सरहदें एक दूसरे देशों के लिए खोल दी। 26 देशों के कोई भी नागरिक बिना रोक टोक, बिना किसी वीज़ा के रिस्ट्रिक्शन से दूसरे बाकी के 25 मुल्कों में ट्रैवल कर सकते हैं, रह सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं एवं बिजनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यूरोप जाना हो
तो आपको किसी भी, मान लो अगर फ्रांस या फिर जर्मनी जाना है, तो फ्रांस या जर्मनी का स्पेसिफिक वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक कॉमन शेंगेन वीज़ा लेना पड़ेगा, जिससे आप यूरोपियन यूनियन में एक ही वीज़ा पर 5-6 कंट्री या फिर 25 देशों पर घूम सकते हो। ये सब आपकी आइटिनरी एवं आपके ट्रैवल बजट के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, ब्रेक्जिट क्यों हो गया उसके बारे में भी हम थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। पूर्व यूरोपियन देशों के नागरिकों ब्रिटेन ने आकर रहने लगे, बसने लगे, और कम वेज रेट पर एक्सेप्ट करके, यानी कम सैलरी एक्सेप्ट करके, जो प्रति घंटा जो उसको वेज मिलता है, वेतन मिलता है, वो कम वेज रेट पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ब्रिटिशरों की नौकरी हासिल करने लगे। यानी ब्रिटिशर मान लो कि एक घंटे का 15 पाउंड मांगते थे, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के जो अलग अलग देशों से आते थे जो लोग ब्रिटेन में, वो सिर्फ 10 पाउंड में ही काम करते थे। इसलिए लेबर कॉस्ट घटाने के चक्कर में वहाँ की ब्रिटिश कंपनियों ने ब्रिटिश नागरिकों के को अपॉइंट करने के बजाय यूरोपियन यूनियन के देशों से आए जितने भी जो वर्कर्स थे उसको अपॉइंटमेंट देने लगे, जिससे ब्रिटेन के जो लोग हैं उसमें असंतोष बढ़ने लगा, और वहाँ के जो ब्रिटिश नागरिक है वहाँ वो जितने भी थे तो ब्रिटिश कंपनियों में वो नौकरी गंवाने लगे या फिर नई नौकरी नहीं मिल पाती। इससे काफ़ी अनरेस्ट बढ़ गया था ब्रिटेन के अंदर, और ब्रेक्जिट की वजह से ब्रिटेन में, आपने सुना होगा या फिर देखा होगा या फिर पढ़ा होगा समाचार पत्र में, कि ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवर, गैस एवं जीवन जरूरी चीज़ों की किल्लत हो गई थी। कई सारे मॉल्स खाली खम थे और मॉल्स के बाहर हज़ारों की कतार में, हज़ारों की तादाद में हुजूम जमा हो गया था। 100-200 आदमियों की लंबी भीड़ लग गई थी, और ब्रिटेन में जो गैस के दाम थे तो वो काफ़ी आसमान छूने लगे थे। वो ब्रेक्जिट का ही नतीजा है जो निर्दोष ब्रिटिश नागरिकों को उस समय भुगतना पड़ा। तो भाई, यूरोपियन यूनियन क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सन 1992 में नीदरलैंड के मास्ट्रिश्ट शहर जो नीदरलैंड में स्थित है, उस शहर में यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी के सदस्य देशों ने यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी पे साइन किया। सन 1993 में ये ट्रीटी लागू कर दी थी। साल 2004 में यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने यूरोपियन यूनियन के संविधान को पारित किया था। अब उसमें धीरे धीरे सभी देशों ने ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिए थे। साल 2005 में यूरोपियन यूनियन के संविधान विरुद्ध फ्रांस में और उसके बाद नीदरलैंड में जनमत आयोजित किया गया था या फिर आयोजित हुआ था, जिसमें इन दोनों देशों ने यूरोपियन यूनियन के संविधान को खारिज किया था। और नियम के मुताबिक यूरोपियन यूनियन का संविधान लागू करने के लिए तमाम मेंबर देशों को हस्ताक्षर होने चाहिए। इसलिए यूरोपियन यूनियन के संविधान का नया मसौदा तैयार किया गया, जिसे 2007 में लिस्बन में पारित किया गया था। लिस्बन समझौते के तहत बेल्जियम के उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर हरमन वान रॉम्पुई को यूरोपियन यूनियन के पहले अध्यक्ष बनाए गए। यूरोप में शांति, अमन, समझौता, लोकतंत्र, मानव अधिकार की उन्नति के लिए सन 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सिंगल मार्केट की भी यूरोपियन यूनियन के ही कमाल है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बीच एक जनरल एक कॉमन मार्केट है, जिससे यूरोपियन यूनियन के जितने भी देशों हैं वो वहाँ ट्रेड कर सकते हैं या फिर अपना बिजनेस कर सके। यानी कि कॉमन प्लेटफॉर्म यूरोपियन यूनियन के देशों को एक वेरियस टाइप ऑफ ट्रेड करने के लिए प्रोवाइड किया गया, एक बेटर एक्सपोजर दिया गया व्यापार करने के लिए। सन 2013 में क्रोएशिया को नए सदस्यों के तौर पर यूरोपियन यूनियन में एंट्री दी गई थी। सन 2016 में ब्रेक्जिट के लिए ब्रिटेन में जनमत आयोजित हुआ था, उसमें मेजोरिटी ब्रिटिशरों ने ईयू में, यानी कि यूरोपियन यूनियन से डाइवोर्स लेने के लिए, यानी कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट लेने के पक्ष में वोट दिया था, जबकि आयरलैंड ने यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन को बनाए रखने के समर्थन में था। दोस्तों, आपको बता दें कि आयरलैंड और ब्रिटेन का रिश्ते में पहले से ही थोड़ी कड़वाहट थी, क्योंकि सन 1969 में ब्रिटिश जो सेना थे उन्होंने आयरलैंड के लंदन डेरी इलाके में सारिन गैस का इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर कहर बरपाया था, और हमारे देश के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे या फिर लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसकी हत्या भी आयरिश लोगों ने ही की थी।
और जनवरी 2020 में ऑफिशियली ब्रिटेन ईयू से आइसोलेट हो गया था, यानी यूरोपियन यूनियन से दूर हो गया था, उससे डाइवोर्स हो गया था। लेकिन अब पोलैंड और यूरोपियन यूनियन के बीच विवाद चल रहा है। दोस्तों, इससे पहले हम पोलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात जान लेते हैं। दोस्तों, पोलैंड शब्द पोलाइन पे से उतर आया है। उसका मतलब होता है कि खुले खेतों में बसने वाले लोग, यानी कि इसका मतलब यह है कि पोलैंड में, पोलैंड का जो भूभाग है उसमें ज़्यादातर हिस्सा जंगलों का होगा। पोलैंड का इतिहास बहुत ही जटिल है। पोलैंड वासियों ने 40 बार आज़ादी की जंग लड़ी थी। इसका मतलब 40 बार किसी न किसी हुकूमत का वो गुलाम बने थे। एक ऐसा भी दौर आया था पोलैंड के इतिहास में जब तकरीबन बात करें तो 1772 से लेकर 1795 के बीच पोलैंड का अस्तित्व पृथ्वी के नक्शे से ही मिट गया था। सन 1791 में पहली बार पोलैंड में संविधान लागू किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रेडियम का आविष्कार करने वाली जो महिला साइंटिस्ट मैडम क्यूरी, वो भी पोलैंड की ही थी। पोलैंड में एक ही परिवार में जो सभ्य होते हैं उसमें पुरुषों एवं महिलाओं की सरनेम अलग अलग होती है। ये वाकई अजीबोगरीब एवं दिलचस्प बात ज़रूर है। यूरोप का सबसे बड़ा प्राचीन जंगल पोलैंड में ही है। उस जंगल का विस्तार, यानी कि वो जंगल का रुतबा तकरीबन 380,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दोस्तों, पोलैंड की ऑफिशियल करेंसी है ज्लोटी, लेकिन यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने की वजह से पोलैंड में भी यूरो करेंसी चलती है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन उनके साथी देशों के अंदर लोकशाही के मूल्यों एवं सिद्धांतों का पालन हो रहा है या नहीं, मानव अधिकार का रक्षण हो रहा है या फिर नहीं, उसका भी ध्यान रखता है, उसका भी वो लगातार मॉनिटरिंग करता है। यूरोपियन यूनियन में उसके लिए अलग से कमेटी बनाई गई है। पोलैंड में इस मापदंडों के मामले में काफ़ी पिछड़ रहा है। पोलैंड में जुडिशरी का जो राजनीतिकरण हो रहा है, यानी कि हमारे देश में जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वही जजों को नियुक्त कर सकता है, लेकिन तकरीबन 3-4 साल पहले सरकार जो 5 जजों की कॉलेजियम जो होती है उसमें सरकार अपने 2 आदमी को बिठाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तब के जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को पूरे सिरे से खारिज कर दिया था। कुछ ऐसा ही पोलैंड में हो रहा है। मीडिया उसके अलावा पोलैंड में मीडिया की आज़ादी पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस मामले में लगातार यूरोपियन यूनियन और पोलैंड के बीच तनाव बढ़ रहा है। पोलैंड में रूलिंग पार्टी के वफादारों को जज के रूप में नियुक्त किया जाता है। यूरोपियन यूनियन ने कोविड महामारी से उभरने के लिए पोलैंड को देने जाने वाली या फिर पोलैंड को मुहैया कराने वाली सहाय भी रोक दी थी। 80% पोलिश नागरिकों जो यूरोपियन यूनियन में बने रहने के लिए उसके फेवर करते हैं, और पोलैंड की जनता ने वी आर यूरोपियंस के बैनर को हाथ में लिए विरोध प्रदर्शित करते हुए रास्ते पर उतर भी आए थे। और ब्रिटेन के जैसा ब्रेग्जिट ना हो और पोलैंड में पोलेक्सिट जैसे माहौल ना हो, ऐसे लिए वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पोलैंड के रास्तों पर उतर कर पोलिश प्रजा। पोलैंड ने कुछ ऐसे लॉस पास किए थे जो यूरोपियन यूनियन के नीति नियमों के साथ मेल नहीं खाते या फिर उससे खिलाफ होते हैं, या फिर यूरोपियन यूनियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन बंधा का निर्माण किया गया था, संविधान का मसौदा घड़ा गया था, उससे थोड़ा सुपरसीड होता है, ऐसा कुछ उसके अंदर प्रोविजन्स हैं। और एक लॉस ऐसा भी पास किया गया था पोलैंड के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ शिस्त भंग के एक्शंस लेने का है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि पोलैंड की न्यायिक व्यवस्था में स्वतंत्रता को खत्म कर देने का और न्यायतंत्र के अंदर पॉलिटिक्स को घुसर देने का एक साजिश चल रही है पोलैंड के अंदर। यूरोपियन यूनियन ने इस लॉस को रद्द करने के लिए अल्टीमेटम देने के बावजूद भी पोलैंड ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पोलैंड को रोज़ाना €10 लाख अर्थात तकरीबन 9 करोड़ रुपए का पर दिन, यानी कि पर डे जुर्माना किया था। ये पेनल्टी यूरोप के किसी भी मेंबर देशों के ऊपर लिए जाने एक्शंस या फिर किसी भी मेंबर देशों को किए जाने वाली सबसे बड़ी पेनल्टी अमाउंट है। यानी उन्होंने 10
लाख यूरो का पोलैंड के ऊपर 10 लाख यूरो प्रतिदिन का जो पेनल्टी है वो यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड के ऊपर ठोक दी है। इसके अलावा पोलैंड पे आर्थिक प्रतिबंध भी लागू किए गए थे। पोलैंड यूरोपियन यूनियन का सबसे अधिक सहायता लेने वाला लाभार्थी देश है। पोलैंड हर साल यूरोपियन यूनियन से तकरीबन 12 अरब यूरो की आर्थिक सहायता भी हासिल करता रहा है, और जिसका अदर यूरोपियन जो यूनियन के मेंबर देश है तो कभी कभार विरोध करते रहे हैं। अगर पोलैंड लगातार यूरोपियन यूनियन के मूल्यों को उल्लंघन करना चालू ही रखेगा तो यूरोपियन यूनियन शायद पोलैंड की हकाल पट्टी भी कर देगा, ऐसी नौबत आ गई है। या फिर ब्रेक्सिट के साथ पोलैंड भी यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन से पोलैंड का डाइवोर्स हो जाएगा, तो पोलैक्सिट जैसी परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर पोलैक्सिट हो गया या फिर यूरोपियन यूनियन ने पोलैंड को यूरोपियन यूनियन से हकाल पट्टी कर दी तो क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। अगर जो ऐसा हुआ, पोलैक्सिट हुआ, तो पोलैंड के ऊपर अभी बेलारूस एवं रशिया की नज़र है। अगर पोलैक्सिट हो गया तो बेलारूस या फिर रशिया बेलारूस को उसका हथियार बनाकर या फिर बेलारूस को मोहरा बनाकर पोलैंड को निगल सकता है। और वैसे भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रशिया और जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में दोनों देशों ने पोलैंड पर ही हमला किया था, और हिटलर ने ऑक्सविज में जो यहूदियों थे उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ ही उन्होंने जिसको कहते हैं डिटेंशन सेंटर या फिर नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की स्थापना भी वहाँ की थी, जहाँ लाखों ज्यूइश लोगों को मारा गया था या फिर उसकी जान ली गई थी। तो अगर ऐसा होता है तो पोलैंड के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, इसलिए पोलैंड को उसके बावजूद पोलैंड के लिए भी या फिर यूरोपियन यूनियन के लिए भी दो चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि बेलारूस और रशिया से पोलैंड को कैसे बचाए, पोलैंड को निगलने से कैसे बचाए, और पोलैंड में लोकतांत्रिक यूरोपियन यूनियन के लोकतांत्रिक एवं लोकशाही मूल्यों को का कैसे रक्षण करें। और दूसरी चैलेंजेस है रेफ्यूजीज के। जिस तरह से बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वहाँ जो बेलारूस में जो रेफ्यूजीज थे उसको हाथ में वायरकटर्स पकड़ा कर पोलैंड की सरहद पर वहाँ उन्होंने छोड़ दिया, और कहा कि वायर कटर्स लो और पोलैंड के सरहद पर जो कांटे के तार है उसको काट दो और पोलैंड में घुस जाओ। यानी वहाँ पोलैंड में रेफ्यूजीज लोगों को जिसको कहते हैं शेल्टर देने की, यानी कि रेफ्यूजीज लोगों जो पोलैंड में घुस आए हैं उसको रहने खाने और पीने की व्यवस्था करने के लिए भी सबसे बड़ी चैलेंजेस हो सकती है। और वहाँ डिटेंशन सेंटर में कैसे इतने लाखों की तादाद में रेफ्यूजीज को रखे, उसको आश्रय दे, ये भी सबसे बड़ी चैलेंजेस हो सकती है। लेकिन पोलैक्सिट करने से कैसे बचाया जाए, उसके उपाय क्या है, तो कुछ इस तरह के उपाय हैं। हमारे देश में जिस तरह राष्ट्रपति शासन लाया जाता है वैसे ही पोलैंड में ही एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, और पोलैंड में यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उसका शासन लाना चाहिए, जिससे यूरोपियन यूनियन के अपने लोकतांत्रिक मूल्यों एवं लोकशाही के सिद्धांतों का रक्षण एवं पालन हो सकेगा। या फिर वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने इम्पीचमेंट करके उस सरकार को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। जो सरकार मीडिया की स्वतंत्रता एवं जुडिशली की स्वतंत्रता के ऊपर अपनी बुरी नज़र रखता है या फिर लोकशाही के मूल्यों का हनन करता है, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग करके उसी सरकार को हटा देना चाहिए। या फिर पोलैक्सिट के लिए वहाँ के पोलिश नागरिकों को वोटिंग करवाना चाहिए कि क्या आप यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हो या फिर पोलैक्सिट के समर्थन में हो। अगर वहाँ की जनता का जो फैसला होगा, जो बहुमत जनता जिसके पक्ष में वोटिंग करी दे, उस जनता के जनादेश का पालन करके यूरोपियन यूनियन को कुछ एक्शंस लेने चाहिए। या फिर पोलैंड को बेलआउट पैकेज देना चाहिए। क्यों बेलआउट पैकेज देना चाहिए, क्योंकि एक तो यूरोपियन यूनियन ने पहले पोलैंड के ऊपर 10 लाख यूरो का प्रतिदिन जुर्माना लगाया है, वो पोलैंड के लिए सबसे काफ़ी आर्थिक हितों के लिए काफ़ी नुकसानकारक हो सकता है। और दूसरा, पोलैंड में जो रेफ्यूजीज की समस्या है
रेफ्यूजीज को कैसे पोलैंड में रखे, उसको आश्रय दे, उसके लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या फिर जीवन जरूरत की जो चीज़ वस्तु है या फिर बेसिक फैसिलिटीज है कैसे प्रोवाइड करें, उसके लिए बेल आउट पैकेज देना चाहिए ताकि पोलैंड की जनता के लिए कुछ नुकसानकारक ना हो या फिर वहाँ की पोलैंड की प्रजा को उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। और दूसरा उपाय ये भी है, जो यूरोपियन यूनियन की जो कमिटी है, कौन कौन से है, सिविल लिबर्टीज़, जस्टिस एंड होम अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, ह्यूमन राइट्स, लीगल अफेयर्स एवं वुमन राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी, इन सारे कमिटियों को इकट्ठा होना होगा। और यूनाइटेड नेशंस की थर्ड कमेटी जो सोशल ह्यूमैनिटेरियंस एवं कल्चर इश्यूज के रिगार्डिंग है, उस कमेटी के साथ कन्फ्रंट करना होगा, उस कमेटी के साथ सलाह मशवरा करना होगा और इससे पोलेक्सिट के भविष्य के बारे में या फिर पोलैंड का नया भविष्य लिखने के लिए उसके ऊपर विचार विमर्श करना होगा कि यूरोपियन यूनियन में से पोलैंड को निकाला जाए या फिर यूरोपियन यूनियन में पोलैंड को बनाए रखे। अगर यूरोपियन यूनियन एवं यूनाइटेड नेशंस की कमेटी दोनों साथ में बैठती है और इसके बारे में विचार विमर्श करती है पोलैंड के भविष्य के बारे में या फिर पोलैंड की जनता के भविष्य के बारे में, तो कुछ अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक डिसीजन पे आ सकती है और पोलैंड को रूस एवं यानी कि रशिया एवं बेलारूस की जिसको कहते हैं ना खराब निगाहों से या फिर उसके चुंगल से बचाया जा सके और पोलैंड में यूरोपियन यूनियन के जो नैतिक सिद्धांतों के जो मापदंड है उसके आधार पर लोकशाही की फिर से स्थापना हो सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक नियमित अंतर तक पहुँचती रहे। सो थैंक यू।